और ये हैं मिस्टर सिद्धार्थ सक्सेना। तो जानते हैं कि पिछली जॉब में अगर मैं सिंगापुर नहीं जाती तो मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ती, इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी। लेकिन अगर मैं ये बात आपको बताती कि मैं वो जॉब छोड़कर नई जॉब ले रही हूँ तो आप मुझे ये जॉब करने नहीं देते सिद्धार्थ। अगर वही पब्लिसिटी ठीक से नहीं हुई तो ये समझिए कि शेर भी कुत्ता दिखता है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ऐसी बात नहीं है सिद्धार्थ, मैं आपकी हर बात को बहुत अच्छी तरह से सुनती हूँ, समझती हूँ। आप मेरी मजबूरी भी तो समझिए, पापा की हालत तो आप जानते ही। उनका तो कोई नहीं है सिद्धार्थ, अगर ऐसे में मैं उनकी मदद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? प्लीज सिद्धार्थ, मुझे अपना फर्ज निभाने से मत रोकिए, मुझे ये नौकरी करने दीजिए प्लीज। तुम्हें नौकरी करना चाहती हो? ठीक, कर सकती हो, मगर मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। अवंती का ये लॉन्च बहुत स्ट्रेसफुल होने वाला है, बहुत मेहनत का काम है, बहुत थकान होगी तुमको। तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम ज्यादा टेंशन नहीं लो, कोई स्ट्रेस नहीं लोगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होना तुम्हें तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। बोलो, मंजूर है? सिद्धार्थ, जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे अपनी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। एंड जब तक आपका दिल ना करे आप ऑफिस में मत बताइए कि हम पति पत्नी हैं। इट्स ओके, थैंक यू। चालू नींद खराब कर रहे हैं। हाँ हाँ, सोने के अलावा जीवन में रखा क्या? शाम होते ही पेट भर ठूस लो, एसी चला लो, कंबल ओढ़ के सो जाओ, और क्या चाहिए जीवन में? अरे आप ऐसी जलीकट्टी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको कोई चिंता है क्या? तुमको नहीं पता कौन सी टेंशन है मुझे। सारी प्लानिंग नाकामयाब होती जा रही है हमारी। उस अवंतिका को आज तक हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए, और नहीं तो दोनों एक साथ एक कमरे में रह रहे हैं, और अब एक साथ ऑफिस में काम भी कर रहे हैं। अरे अच्छा है ना, उससे आपको दीदी को भड़काने का और एक मौका मिल जाएगा। उससे क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा उससे। देखिए, अवंतिका अगर कोई गलती करेगी तो उसका फायदा हमें ही होगा ना। अच्छा, एक काम करना, सुबह चटाई वाले बाबा के पास चली जाना नारियल लेके, और चटाई पकड़ के हाथ जोड़ के बोलना, हे बाबा कोई गलती करवाओ अवंतिका से, ताकि हमें कुछ मौका मिले। क्योंकि कब गलती करेगी, करेगी भी कि नहीं करेगी, हमें तो कुछ पता नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक तो वो एक कमरे में एक साथ रहते हैं, ऊपर से ऑफिस में एक साथ रहेंगे 24 घंटा एक साथ। सिद्धार्थ को पिघलने में जरा भी समय नहीं लगेगा। मैं कैसे सिद्धार्थ और बिंदिया की शादी करवाऊंगा? मैं, हे भगवान, अगर उन दोनों की शादी नहीं हुई तो हम दोनों के हाथ तो कुछ नहीं लगेगा। शुक्र है कि बात तुम्हारे समझ में आ गई। आप रुकिए, मैं कुछ सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ। कुछ सूझा? एक काम करो, ज्यादा मेहनत मत करो, खामोखा घुटने में दर्द होने लगे। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बात बताओ, ये 1.25 किलो की मुंडी लेके हर बात पे ऐसे 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 मना करने में जरा भी शर्म नहीं आती तुमको? देखिए, चुप सो जा, चुपचाप मुझे सोचने दो। चुप, देखो तुम डांटते रहते। इन छोटी मोटी चालों से कुछ नहीं होने वाला।
तो ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जिससे अवंतिका नाम का कांटा हमारे पैरों से जल्द निकल जाए। रिया को बुला लेती। रिया मेरे केबिन में आ जाओ प्लीज। सिद्धार्थ, रिया, मैं और रिया आपको प्लान का पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ समझा देंगे। उसमें आपको जो भी ऐड करना हो या कोई भी चेंजेस करना हो तो आप हमें बता दीजिए। रिया, अगर अर्जेंट है तो तुम ले सकती हो कॉल। या श्योर, एक्सक्यूज मी। इस टाइम फोन क्यों कर रहे हो? बस तुम्हें याद दिलाने के लिए कि मेरे बॉस को प्रोजेक्ट के बारे में हर एक जानकारी चाहिए, जैसे प्रोडक्ट क्या है, कैसे लॉन्च होना है, मार्केट प्लानिंग क्या है, वगैरह वगैरह। और हाँ, ये बात याद रहे कि कोई भी चूक या चलबाजी नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, तुम्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। पर तुम इन सबका करोगे क्या? देखो रिया, तुम्हें वो कीमत दी जा रही जो तुमने मांगी है। इसमें जानकारी देने के अलावा वो बात भी शामिल है कि तुम कोई सवाल नहीं पूछोगी। अगर फिर भी तुम्हें कोई सवाल पूछना है तो बता दो, मैं बॉस से पूछ के तुम्हें जवाब देता हूँ। समझ गई। ये नए प्रोजेक्ट के बारे में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है? ये लोग कोई दुश्मन कंपनी ही होगी। Thank you.
जी मैं दिवाकर जी से बात कर सकती हूँ? क्या दिवाकर बोल रहा हूँ? देखिए मैं कोहली एसोसिएट से बात कर रही हूँ, आप आज से कुछ दिन पहले हमारे यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए थे। जी हाँ हाँ बोलिए। कंग्रेचुलेशंस, हमारी कंपनी ने ये नौकरी आपको देने का फैसला किया है। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जी। तो आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं? जी मैं कल से ही ज्वाइन कर लूंगा जी। जरूर, लेकिन उससे पहले आपको हमारे ऑफिस में आके एचआर डिपार्टमेंट से मिलना पड़ेगा। तो आप कब आ सकते हैं? जी बस मैं अभी आता हूँ, आधे घंटे तक पहुँच जाऊंगा जी। ठीक है, तो मैं आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देती हूँ। ऑल द बेस्ट जी। थैंक यू वेरी मच। ये तो कमाल हो गया। अरे ऊपर वाले, तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्या खबर सुनाइए भगवान, बहुत अच्छी। अरे वाह कमाल होगी। अरे वाह पापा, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, जरा हमें भी तो बताइए ऐसी क्या खुशी की बात है। क्यों भाई, इंसान खुश नहीं हो सकता कि उस पर भी गवर्नमेंट का टैक्स लगता है? अरे पापा मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि हमें भी पता चले तो हम भी खुश हो जाएं। तो वह है कि जब मैं सुबह उठा था ना, मैंने सोच लिया था आज मैं सारा दिन मुस्कुराता हो रहूंगा, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। मैं जरा चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप इस वक्त? ये दिन भर पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं। पूछती हूँ तो कहते हैं कि दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। हाँ जाता हूँ तो आपको क्या है? देखो बेटी मुझे बताओ, अगर मैं अपने दोस्तों को मिलता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे घर पे बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ, मैं सोचता हूँ क्यों ना बाहर जाके अपने दोस्तों से मिल लूँ, इसलिए मैं चला जाता हूँ। बुरी बात है क्या? नहीं बुराई बिल्कुल नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, एक्चुअली मुझे भी दीदी से मिलने के लिए उनके ऑफिस जाना है, तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रास्ते में ड्रॉप कर दूंगी। फाइन। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो मैंने अपने दोस्त को टाइम दिया है और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो मैं टाइम का कितना पाबंद रखता हूँ, है ना? अच्छा नमस्ते। जिंदगी में बहुत कुछ आ जाता है, जिंदगी से बहुत कुछ निकल भी जाता है। क्या बात है दीदी, तुम तो एकदम फिलोसोफर की तरह बातें कर रही हो, और तुम्हारी ये बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही है। ये बताइए आपकी नई जॉब कैसी चल रही है? अरे ये वाली जॉब तो पिछली वाली जॉब से भी अच्छी है, और तुझे पता है यहाँ पर एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज? और जॉब में कैसे? तेरे जीजू इसी ऑफिस में मेरे साथ काम कर रहे हैं। एक्चुअली उनका जो सॉफ्टवेयर है ना, उसकी मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं, जिसकी मैं इंचार्ज हूँ। अरे वाह दीदी, मेरा मन कहता है कि भगवान भी यही चाहते हैं कि रिश्तों का जो धागा टूट गया है वो फिर से जुड़ जाए। अब ऐसा हो भी रहा है, घर में भी आप जीजू के साथ हैं और यहाँ ऑफिस में भी आप दोनों साथ हैं। जीजू कैसे हैं आप? जीजू नमस्ते। मैं ठीक हूँ, कैसी हो तुम? देख लीजिए आपको कैसी लग रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ है, मैं बाद में आता हूँ। अरे जीजू कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए अब आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैंने लोगों को काटना छोड़ दिया है। चुप पागल, कुछ भी बोलती रहती है। दीदी अब अपने जीजू के साथ मजाक नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? ठीक है कोई बात। तू अब तक सिद्धार्थ को अपनी तरफ मोहित कर पाई?
नहीं ना, अरे उस अवंतिका से सीख, आते ही उसके कमरे में घुस गई और अब तो उसके साथ काम भी करने लगी। और कैसे हैं सब घर पे? सब ठीक है। वो छोड़िए, आप ये बताइए दीदी, आपका काम ठीक से संभाल लिया या नहीं? अवंतिका के काम से तो कभी किसी को परेशानी हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि ये मेरा प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है। बस अपनी दीदी को इतना कह देना कि काम के साथ साथ थोड़ा अपना भी ध्यान रख लिया मैंने। चीजू, आपके होते हुए मुझे दीदी को यह समझाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी एक नन्हे मुन्ने राजकुमार और एक नन्हे मुन्नी राजकुमारी का ख्याल उनके डैडी से ज्यादा मौसी थोड़ा ना रख सकती है, है कि नहीं? अरे मुझे याद आया, मुझे वो कैंपेनिंग का डिजाइन देखना है, मैं भी आता हूँ। लेकिन जीजू, बस पास में ही है, मैं 5-10 मिनट में आता। क्या देख रही हो मामी? मैं बस सोच रही कि हलवाई वाले के वहां वो अपनी मिठाइयों को कितनी अच्छी तरह सजाता है, मतलब उसको सोने के वरक लगाता है, चांदी के वरक लगाता है, काजू बादाम पिस्ता इन सब चीजों को कितनी अच्छी तरह से काट कर उस पर सजाता है। फिर भी उस मिठाई को देखकर कोई ललचाए नहीं, तो फिर वो मिठाई किस काम की? मामी आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बोलिए ना। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि तू इतना सचती सवरती है, अपने लाली पाउडर इन सब के पीछे कितना खर्चा करती, लेकिन उन सब का क्या फायदा, मतलब क्या नतीजा निकला? कुछ भी नहीं। मामी सोच समझ कर बोला करे मामी, क्योंकि बिना सोचे समझे बोलना महंगा पड़ सकता है आपको। अरे उसमें क्या गलत कह दिया मैंने? तू अब तक सिद्धार्थ को अपनी तरफ मोहित कर पाई? नहीं ना, अरे उस अवंतिका से सीख, आते ही उसके कमरे में घुस गई और अब तो उसके साथ काम भी करने लगी। तूने कौन सा बड़ा तीर मार लिया? हाँ अगर हमने कोई तीर नहीं मारा है तो आपने कौन से किले फतेह कर लिए? आप दोनों दिन भर घर में बैठकर बस साजिशें करते रहते और नतीजा कुछ निकलता नहीं है, उल्टा लेने के देने और पड़ जाते हैं। हाँ तो खेल में तो ऐसा होता ही है, कभी पासा सीधा पड़ता है तो कभी उल्टा, और अगर पासा हमेशा उल्टा पड़े तो इसका क्या मतलब होता है आपको पता है? इसका मतलब है कि खिलाड़ी एकदम अनाड़ी है। बिंदिया तुम बस देखती जाओ ये अनाड़ी खिलाड़ी क्या खेल खेलता है, जिसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ठीक है कोई बात नहीं, वो भी देख लेते हैं। देखना तो अभी बहुत कुछ है तुम्हें, अपने आप को बड़ी होशियार समझती हो ना तुम, आधी मलाई खानी। इस बार तुम्हारे मामा ऐसी चाल चलेंगे जिसे देखकर तुम सीधा आकर हमारे कदमों में गिरोगी। सच कह रहा है मामी, अगर बड़बोलेपन का किसी को इनाम मिलेगा ना तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं वो आप ही को मिलेगा। काम तो आप रत्ती भर का निकलती और बोलती कितना है। थोड़ा सा सबर कर लो बिंदिया रानी, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन क्या है। उस दिन बात करूंगी तुमसे। अगर आप बच्चे को अपने पास रखेंगे तो क्या आप
उसे उसकी माँ से अलग कर देंगे? अरे जा रही हो तुम? हाँ जीजू, आप तो हमारे साथ बैठे ही नहीं। अरे मैं जरा काम से गया था, मैं अंदर ही आ रहा था अभी। जीजू मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। डोंट माइंड, अब आराम से बैठकर बात करें। जीजू आपके और दीदी के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद आप दीदी का इतना ध्यान रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है जीजू। कौन करता है आजकल ये सब कुछ? कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके बाद क्या? मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहते। मेरे कहने का मतलब है कि कोर्ट के दिए हुए 6 महीने कंप्लीट होने के बाद उसके बाद क्या? कल क्या होगा कौन जाने, मैंने अभी आगे के लिए कुछ सोचा नहीं। लेकिन सोचना जरूरी है जीजू, क्या कोर्ट के दिए हुए 6 महीने कंप्लीट होने के बाद आप दीदी को अपने घर से, अपनी जिंदगी से अलग कर दें? अगर हाँ तो क्या आप उस बच्चे को भी खुद से जुदा कर देंगे? कुछ तो कहिए जीजू, अगर आप बच्चे को अपने पास रखेंगे तो क्या आप उसे उसकी माँ से अलग कर देंगे? और जीजू बच्चे को तो माँ और बाप दोनों का साया चाहिए होता है। जीजू ये वो सवाल है जिनसे आप नजरें नहीं चुरा सकते, इनका सामना आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका संबंध सिर्फ आप दोनों की जिंदगी से नहीं है, इसका संबंध उस मासूम की जिंदगी के साथ भी जुड़ा हुआ है। मैं जानती हूं जीजू, इस वक्त आपके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन अगर आपको अपने बच्चे की चिंता है तो इसके बारे में सोचेगा जरूर। नमस्ते जी। जितना मैं आपको जानती हूँ उससे मुझे यही समझ में आता है कि आप उन्हीं सवालों में उलझे हुए, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे आप। नहीं अवंतिका, मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। हमने आपके प्रोजेक्ट की मन्नत मांगी, ये उसका प्रसाद लीजिए। अरे वाह, थैंक यू अवंतिका। मिलो।